द्वारका एक्सप्रेसवे अहिरवाल के विकास का मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुरुग्राम और अहिरवाल तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गुरुग्राम आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। क्षेत्र के लोग सेक्टर 84 में पहुंचकर द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करें। उक्त उद्गार हिसार, सिरसा, रोहतक लोकसभा क्लस्टर प्रभारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने आज बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर, झाड़सा व झुंडसराय में जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उक्त गांव राव नरवीर सिंह का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। नगाड़े बजाकर व आतिशबाजी कर लोगों ने राव नरवीर सिंह पर पुष्प वर्षा की। राव नरवीर सिंह ने लोगों से पीएम के आगमन पर सेक्टर 84 में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा की नहीं बल्कि देश के लिए सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसके निर्माण पर करीब 9600 करोड़ रुपए की लागत आई है। द्वारका एक्सप्रेसवे अहिरवाल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की मंजूरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेरे आग्रह पर की थी। इस रोड से मात्र 20 मिनट में ही दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम से दिल्ली के लिए NH 48 व मेहरौली के रास्ते से कनेक्टिविटी है, जिसके चलते उक्त मार्गों पर जाम की समस्या बनी रहती थी। द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए रास्ता काफी सुगम हो गया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2014 से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना एलिवेटेड हाईवे, रेवाड़ी में एम्स, खेड़ की माजरा में मेडिकल कॉलेज, भांगरौला में विश्वविद्यालय, अनेक फ्लाईओवर व अंडरपास की सौगात हमारे इलाके को मिली है। राव नरवीर सिंह लोकसभा चुनाव में कमल के फूल का बटन दबाने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट दे उसे विजयी बनाकर प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के नारे को साकार करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां देकर युवाओं का दिल जीत लिया है, जबकि इससे पहले सिफारिश के आधार पर नौकरियां दी जाती थी, जिसके चलते अहिरवाल के योग्य बच्चे नौकरियों से वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि 2014 से बादशाहपुर से मुझे विधायक बनाया गया। लोक निर्माण मंत्री के रूप में 5 साल क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव-गांव से मिल रहा भारी जनसमर्थन यह साबित करता है कि मैं क्षेत्र के लोगों के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरा हूं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग से अगले 5 सालों में विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ 9600 करोड़। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है गुड़गांव की, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे गुड़गांव में आ रहे 84 सेक्टर में। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए आप सब लोग वहाँ आए। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले या अपने आस पास के जिले में विकास के काम करता था। गुड़गांव जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है हर चीज में, चाहे विकास का काम हो चाहे रोजगार का काम हो, सब कामों में वंचित रहता था। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे इलाके में सबसे ज्यादा, क्योंकि योग्यता के आधार पर नौकरी दी बिना सिफारिश के दी। लड़के तो हमारे पहले भी कामयाब होते थे लेकिन सिफारिश नहीं थी। अब की बार जब से भाजपा की सरकार बनी योग्यता के आधार पर नौकरी लगी। आम आदमी, गरीब आदमी, जो पढ़ा हुआ बच्चा था, जो अच्छा था, उन सबको रोजगार मिला। हमारे हर गांव में तकरीबन रोजगार मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। गांव का विकास, जिले का विकास, उप
जिले का विकास होता है, यूनिवर्सिटी बनने से, मेडिकल कॉलेज बनने से, कॉलेज बनने से, स्कूल अपग्रेड करने से। जितने आपके मेडिकल कॉलेज हमने खेड़की माजरा में बनाया, आपके पड़ोस कांकरोला में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमने वांछापुर विधानसभा क्षेत्र में बनाई। सुल्तानपुर का कॉलेज, रिठौज का कॉलेज, पटौदी का कॉलेज, मणेसर का कॉलेज और दाऊडू में हमने 20 साल में कॉलेज बनाया। इतने काम इस सरकार ने किए कि पिछले वाली सरकारें जो थी उतना काम नहीं कर पाई जो भाजपा पार्टी ने सरकार ने काम किया। हमने कम्युनिटी सेंटर, हरिजन चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, बैकवर्ड चौपाल, गांव के पक्के रास्ते, जो नगर निगम है मेरे पास बहुत से पार्षद बैठे हैं, एक एक वार्ड में 100-100 करोड़ रुपए के काम हुए। छोटे छोटे जो गांव हैं उनमें भी 5 से 10 करोड़ रुपए के काम हुए। मैं विश्वास दिलाता हूँ गांव में चौपाल हो, आप जगह दो, हरिजन चौपाल हो, वाल्मीकि चौपाल हो, बैकवर्ड चौपाल हो, गांव का रास्ता हो, जो भी आपका अधूरा काम रहा है उसको पूरा करने की गारंटी नरवीर सिंह लेना। आपकी एक मांग है कि भाई ये जो पटौदी रोड, ये मेरा सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था जब मैं मिनिस्टर बना पीडब्ल्यूडी का। सबसे पहले मैंने कहा कि पटौदी रोड बनेगा और इसकी हमने सर्वे चालू करवाई। ये ऐसा रास्ता था कि कहीं कागजों में चढ़ रहा था, कहीं नहीं चढ़ पाया, टाइम इसका लगा, लेकिन भगवान की कृपा हुई आज ये बन के तैयार हो रहा है। आपने एक मांग रखी कि भाई एक हमारा अंडरपास है, इसका फ्लाईओवर होना चाहिए। साथियों मैं फिर कोशिश करूंगा, आपके 2-4 गांव के आदमियों को भी लेके जाऊंगा, गडकरी से मिलकर उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भाई ये जरूरी काम, फिर से कोशिश करूंगा कि आपका ये काम हो। और जितने विकास के काम है, जैसे देश में कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, ये नरवीर सिंह की गारंटी को काम आपका। इतनी मात्र शक्ति बैठी, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। 2019 में मेरी टिकट कट दी राजनीतिक कारण से, मेरी कोई पार्टी से दुश्मनी नहीं, अब अगर टिकट मिलेगी मैं चुनाव लड़ूंगा और भाई मेरी मदद करी। और आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में जो कल परसों 3 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, बबल के फूल का निशान का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को 400 पार जो मोदी जी का नारा है, देश में सुदृढ़ देश विकसित रास्ते में चले और देश का नाम हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कदर हो। आज मोदी जी की दुनिया वाले कदर करते हैं, आने वाले समय में भी भारत विकसित भारत बने, विश्व शक्ति बने, विश्व गुरु बने, इसी कामना के साथ।